भाई बहुत ज्यादा बीमार हो गया कल शाम के समय। कल दोपहर में जो गाड़ी देखने निकला ना, उसके बाद जब घर आया तो हालत खराब हो गई थी। और मैंने कल पेप्सी भी पी ली थी एक जगह। उसके बाद आज सुबह से तो बहुत ही खराब हालत है। और जुकाम में तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है आदमी का। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ये देखो, देख रहे हो? जा आई मेरे पास और बैठ गई मेरे पास कि ला बाबू सर दबा दू तेरा। क्यों क्यों बैठी मैं बता दो, गिफ्ट रक्षाबंधन को गिफ्ट। गिफ्ट? अरे सुअर कहीं का गिफ्ट के लालची नहीं है हम। अब झूठ बोल रहा हूँ गाइस, मैं नहीं बैठाया था। नेक्स्ट डे फूलों का तारों का सबका कहना है, 1,000 में मेरी बहना नहीं है, अरे 1,00,000 में है। चल पैर भी तो छू, मेरे पैर छू। ओ उसमें बताया बहन के पैर छूने किसके, शुभ रहे। चल कुछ नहीं, अरे छू जल्दी, इन्हें चाहो कुछ छूने पड़ेंगे क्या गाइस। हाँ जीते रहो, सदा सुखी रहो। हेलो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइज। तो 3-4 दिन से कुछ शूट नहीं कर पा रहा, रक्षाबंधन का टाइम चल रहा था, बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गया था मैं। लेकिन आज हम ऑफिस जा रहे हैं तो मुझे लगा थोड़ी बहुत तबीयत ठीक हुई है तो थोड़ा बहुत शूट कर लेता हूँ, नहीं तो ऐसे बिल्कुल डेड हो जाता है ना जब चैनल, तो इंगेजमेंट ख़राब हो जाती है पूरे चैनल की। तो अभी हम ऑफिस जा रहे हैं, ये छोड़ने जा रहा है हमें। तो गुटखा खा रहा है और मेरे से परफ्यूम मांग रहा था कि परफ्यूम दे दे। मैंने कहा परफ्यूम लगाने से खुशबू नहीं आती, आदमी की आत्मा में से खुशबू आनी चाहिए, आत्मा तेरी मैली है। मुंह में इतना, मतलब गाइस मेरे को ये नहीं समझ आता लाइफ में कि कोई इंसान इतनी गंदी चीज़ खा के कैसे जी रहा है। जो तंबाकू ये खा रहा है ना, मेरा मन कर रहा है कि थप्पड़ मारने का मन करता है, समझ रहे हो? इतनी मतलब ऐसे करके खाता है, गुस्सा नहीं आएगा बताओ तुम लोग? अब मैं खाता नहीं हूँ ये सब चीज़ें, मतलब मैं कैसे खा लूँगा यार। हाँ भाई गाइस पूछ रहे हैं भाई को झिंगुर, वो गाइस एक सच्ची बात बताना, एक मिनट रुक जा हट रहा, वो झिंगुर जैसा सचिन है ना, झिंगुर जैसा सचिन, उसके जैसा साइड लुक नहीं है इसका बिल्कुल, ध्यान से देखो कॉमेंट में बताओ। झिंगुर जैसा सचिन जैसा नहीं है इसकी शक्ल। वैसे इसका नाम भीम है गाइस, अगर तुम लोगों को नहीं पता, भी बलशाली तमाकू खा खा के शक्तियाँ, ये सुबह सुबह जैसे हम तो क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं सबसे पहले ब्रश करने दौड़ते होगे तुम लोग, मैं पानी पीने के लिए दौड़ता हूँ, ये साला अपने तंबाकू की पोटली ढूंढता है, तंबाकू मिल जाए बस किस तरह खाने को, उसी से तंबाकू लेता है, ऐसे उंगली में तंबाकू लेगा ऐसे ऐसे कर लेता है, है ना, है ना, है ना। चलो ठीक है गाइस आगे मिलते हैं, मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं, सब लोग मेट्रो पे आ रहे हैं, यहाँ से जाएंगे ऑफिस, लेट्स गो। क्यों खड़ी हो यहाँ पर आप? मजे करने। कुछ कंटेंट दोगी कि नहीं? नहीं। हाँ तुम घुसा दूंगा कैमरा। गाइस ये ममता मजबूरी में मैम बोलना पड़ता है, मजबूरी में मैम बोलना पड़ता है, वैसे ये ममता है। तो ऑफिस में अभी तो इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो बाहर तो मैं बाहर भी मैम ही बोलना पड़ता है वैसे। तुमको पता है ये मिठाई क्यों आई हुई है? क्योंकि राज भाई के बंदे की राखी, राज भाई की राखी बंदे की तुम्हारी बंदे मेरे भी, मेरे को क्या जरूरत है राखी की, क्योंकि मेरे पास तो है। मेरे पास तो है। आयो, खड़े होते। ये देखो गाइस ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है हम लड़कों के साथ, समझ रहे हो तुम लोग? हम लड़कों के साथ ऐसे नहीं बांध रही गाइस, निर्मित को कैसे मना कर रही है? अरे बांध भी थी भाई सेरेमनी में, फोटो टीका उसका नहीं करी, नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं बताओ, टीका भी नहीं करवाया, कुछ भी नहीं, ऐसे ही वो कर दिया। अरे उधर बैठो ना, उधर बैठ के क्या हिलाते हैं इसे, उनको नुकसान करेगा, मैं डॉक्टर मना किया, हट जा हट जा हट जा, वो खेलने दे बेटा। ये देखो पूरा खाओ ना,
अब उसको क्या करो मुझे पैर छू पैर छू तू टीका लगा पहले पैर छू ढंग से मैम पैर नीचे रखो नीचे छू पूरा रुक जा पहले टीका लगा दू भाई टीका लगा दू मैम सुनो तो सही राज भाई की तो ऐसी फट गई थी कि आप राखी बांध रहे हो बोलो गाइस निर्मित राखी बंधवा रहे हैं ममता से यार गाइस बनवानी पड़ती है मजबूरी है ये अंडा टाइप का ऐसे क्यों है ऐसे ये केले ममता पता नहीं ये मेरे बड़े पापा ने बनाया मुझे ये भैया अरे दोनों खा लेना यार ए मेरे लिए बचा के रखना आप नहीं बांधोगी हेयर इज माय पाम ओए रुक जाओ पहले ये तो लगा दूं मैं कैमरा बंद कर दो जल्दी लाओ मिठाई खानी है जल्दी पागल राखी मुझे नहीं इसको मत खिलाना दर्द और कौन समझेगा हमारा अनुराग मतलब हंसी के पीछे का दर्द वो दर्द जब होगा जब कोई और राखी बांधेगा फिर मैं इसके दर्द दे दूंगी अगर सिर्फ दर्द दंडवत प्रणाम लेकिन भी बंधवाएगा अगली जो रक्षाबंधन है अगले साल 2024 वाली उसके लिए ये इकट्ठा कर रहा है राखियां यार ताकि अपनी दुकान खोल सके गाइस यार दीपाली देख इसे अगले रक्षाबंधन बेचा जाएगा ये हिमानी मैम का इसमें एक हिमानी मैम के लिए दे दीजिए गिफ्ट तो दे मैम का तो दे साले ऐसे देंगे ना दोनों भाई मिलके मैं रिकॉर्ड तो कर लूं दो 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 गिफ्ट ऐसा कुछ हुआ कि मैं साले मेरे भी ना दे रहा है हां हां मैम को हां गिव दे थैंक यू गाइस ये गिफ्ट दे रहे हम लोग ममता हम लोग दे यो सिस्टर ये पैच हुआ है पैच चुरे ये पैच हां ये तो पूरे ऐसे नहीं साइज नहीं हुआ यार मजबूरी में बनाना पड़ता है सब गाइस खा लो और चाहिए मैं कल ले आऊंगी चल रहे अब मेट्रो स्टेशन चल रहे हैं फिर जाएंगे घर वहां से भाई यहाँ एक रेस्टोरेंट में मुझे अकेले छोड़ के चले गए ये लोग बाहर चले गए कहीं वहाँ से मेरे को फ़ोन कर रहा है राज भाई बात कर लेता हूँ एक मिनट हेलो हाँ कितने का है उधर क्या ये वाला उधर ही जहाँ हीरा स्वीट्स पे हाँ अरे यार इधर बैग वैग रखे ना छोड़ के थोड़ी आ जाऊँगा यार ढूंढने गया था मैंने कहा कोई सस्ता सा रेस्टोरेंट देख के आ बाहर मैंने ऐसे किया मोबाइल निकाला मैं थोड़ा फ्लिप मोबाइल है तो भौकाल बन जाएगा मैंने फ्लिप मोबाइल लिखाया तुझे कॉल लगाया कॉल ही नहीं लग रहा सर आईफोन वाले नंबर पे नकली टाइगर वाले पे कॉल किया हूँ फिर उठाया मैंने इनको भेजा था ये जाके बाहर देख के आओ ये सस्ता सा है क्या कोई रेस्टोरेंट क्योंकि यहाँ तो बहुत महंगा सिस्टम है भाई ये देखना है देख लो इसीलिए तो मैं इसको इस साथ जाना नहीं चाहता कहीं पे गाइस इसलिए मैं इसके साथ कहीं जाना नहीं चाहता पता है मेरी बेइज्जती करवा देता सारी जगह मैं अपना ऑरा बनाता हूँ एक अच्छा सा पॉजिटिव सा ये वहाँ हक देता है ये बगल में जेट स्प्रे है ना जिससे पॉटी धोते हैं उसे नहा रहा था बैठ के अरे भाई कुछ सारा पानी का बात का है नहा रहा था बैठ के बोल देगा देख देख गाली दे रहा है गाइस गाली दे रहा है बता दे कैसे नहा रहा था फिर
फिर नहा पाया ठीक से कि नहीं? नहीं, कह रहा है कि ठीक से ना, मैं जेडबीएम से नहीं नहाता हूं। तो मैं जो वो पॉटी वाले पे वो लगा रहता है ना, वो क्या तो वो भी जेट स्प्रे भी तो पॉटी धोने के लिए ही होता है बाबू। हां पता है बाबू, पता है, नहीं था पानी तो क्या किया जा सकता है भाई। ये मजाक में बोला हूँ मैं कंटेंट के लिए, इतना लैंडिस नहीं, इतना दिन खराब नहीं। हाँ पानी लैट्रिन का पी लिया था एक बार, ऐसे फंस गया था एक बार ट्रेन में। कहानी लंबी है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगा, ठीक है नहीं 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 गाइस, ये मानी नहीं जाएगी। राखी खुल गई, राखी अब सुकून हो गया है थोड़ा, तो टाइट करना। नहीं नहीं गई तो भाई, 4-5 दिन में अब जाके थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है। मैं तो ज़ुकाम ने बहुत ही काम ख़राब कर दिया था मेरा, तो जब ठीक हुआ थोड़ा बहुत तो मैंने ब्लॉग एडिट कर लिया। तो आउटरो कभी शूट ही नहीं होता है, तो आउटरो शूट करने के लिए मैंने फ़ोन उठाया था। एक और चीज़ बतानी है मुझे कि व्लॉग बनाने में ना मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। हम जब दूसरे लोगों को देखते हैं तो हमको सिर्फ ऐसा लगता है कि फ़ोन उठाओ बोल दो व्लॉग बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और आपको ये देखना पड़ता है कि कहाँ पे लोग एंटरटेन हो सकते हैं, क्या चीज़ एंटरटेनमेंट में काउंट होती है, क्या चीज़ नहीं काउंट होती है। और जब वो सब चीज़ें एनालाइज करके फिर तुम उसको कंपाइल करके डालने की कोशिश करते हो ना, और तुमको वो सपोर्ट नहीं मिलता, तो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाता है मन। तो इसलिए डू हिट दैट लाइक बटन, अगर ये अच्छा लगे कहीं पर तुमको हंसी आई हो, थोड़ी बहुत भी हंसी आई हो, तो डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल्सो इफ़ इट इज़ पॉसिबल शेयर इट टू योर फैमिली मेम्बर्स। हम फैमिली फ्रेंडली व्लॉग ही बनाते हैं, एज सच कुछ एक्सप्लिसिट लैंग्वेज भी यूज़ नहीं करते, थोड़ी बहुत हो जाती है। गुट अट्टी तो तुम अपने घर में भी बोलते ही होगे थोड़ा बहुत, वही हम लोग भी बोलते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि हम भी इंसान है भाई, इतना तो निकलेगा ही मुझे। सो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल, बाय बाय, टेक केयर, पीस गाइस।